हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल मैं हूं मयूरी आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कनाडा के पार्ट टाइम जॉब के बारे में तो ये जो पार्ट टाइम जॉब है वो कनाडा में जो भी स्टूडेंट के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं फिर परमानेंट के लिए भी जा रहे हैं या फिर कोई भी स्किल वर्कर जा रहे हैं जो भी कैनेडा जा रहे हैं वहाँ जाके आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है तो आज का वीडियो पूरा आपके लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी जॉब में ऐसा होता है कि आपको एक 400 डॉलर का कैनेडन डॉलर का एक लाइसेंस लेना पड़ता है उसके बाद आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो तो सिक्योरिटी की जॉब में ऐसा होता है कि आपको वर्कलोड होता है बट जो फिज़िकली वर्क होता है वो नहीं होता आपको कोई भी जो भी सिक्योरिटीज़ ऑफिस की एजेंसीज है वहाँ उन वहाँ जा आपको सबसे पहले आप का जो भी रेज्यूमे है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि आप ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आपको बहुत सारी जगह पे और बहुत सारे हाउसेस में फ़्लैट्स है फिर बहुत सारे मॉल्स वगैरह जो जो भी पब्लिक प्लेसिस हैं जहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं तो वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो तो सो so, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्क फिट ऑपरेटर के बारे में बहुत कम लोगों को ये जॉब के बारे में पता होता है जैसे कि मॉल वगैरह के अंदर जो उनका स्टोरेज होता है वहाँ पे बड़े बड़े वेटेज रखने के लिए स्टैंड होते हैं वो स्टैंड काफ़ी हैवीज होते हैं जिसके ऊपर उनका पूरा सामान रहता है जिसकी इमेज यहाँ पर आपको दिखाई देगी तो ये जो भी कार्टून जिसके ऊपर रखते हैं उसको एक जो भी मशीन्स होते हैं जो भी उसकी ट्रॉलीज़ होती है उसके ऊपर लेके उसको लिफ्ट में अलग अलग जगह पे शिफ्ट करना रहता है ये जॉब थोड़ी रिस्की रहती है बट उस में उसके अंदर पर आर सेवेंटी टू ट्वेंटी कैनेडन डॉलर आपको मिलते हैं अर्न करने के लिए तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो भी ये वाली जॉब करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं रिस्की है मतलब उसमें हैवी वेट उसको आपको ले कर फिर जो भी इसकी मॉल के अंदर जहाँ जगह पे एक जगह से दूसरे जगह पे वेट लेके जाना पड़ता है वो एक चैलेंजेस होता है और उसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है और एल्स ऐस ऐसा, ऐसा को, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ़ूड डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में फ़ूड डिलीवरी पार्टनर एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी जॉब हो जाती है जिसके अंदर आपको टैक्स वगैरह का इशू भी नहीं रहता और ऊबर है और बाकी बहुत सारी वहाँ की लोकल फूड डिलीवरी होती है वहाँ पे आपको एक जगह से सामान लेना होता है और दूसरी जगह पर सामान को पहुँचाना होता है तो ये भी बहुत अच्छी जॉब होती है जिसके अंदर आपको मिनिमम पंद्रह से लेकर ट्वेंटी या थर्टी फाइव डॉलर के हिसाब से आपको अर्न करने को मिल जाता है तो इसके अंदर भी आप खुद के व्हीकल के साथ खुद ही डिलीवरी कर सकते हो और वहाँ पे काफ़ी लोकल एप्स होती है डिलीवरी पार्टनर्स के लिए तो वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवा के वो सर्विसेज आप किसी को दे सकते हो तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है जिसमें आपको थकान कम होगी जिसको ड्राइविंग अच्छी लगती है उसके लिए तो भी विन विन कंडीशन है तो ये एक पार्ट टाइम जॉब में हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कुरियर डिलीवरी पार्टनर के लिए जो कुरियर के अंदर ऐसा होता है कि सुबह सुबह जैसे अमेज़ॉन है बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ से आपको सामान लेना होता है और पूरे दिन के अंदर जहाँ जहाँ एड्रेस होते हैं वो जगह पे जाके आपको कुरियर को दे देना रहता है तो उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आपके पास खुद की कार होती है तो आप खुद की कार के अंदर सुबह सुबह बड़ी कार होती है तो आपको देखना ही नहीं बड़ी कार में पूरा सामान लोड कर दो और जो जो एड्रेस वगैरह वहाँ जाके सामान को उस जगह पर रख के फिर आप आपका काम आगे निकलते जाओ तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कमाना होता है वन एटी कैनेडियन डॉलर से टू हंड्रेड कैनेडियन डॉलर पर डे के हिसाब से आप कमा सकते हो आराम से तो ये बहुत अच्छी है और जिसमें अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो फिर आपको कुछ देखना है नहीं है और काफ़ी एजेंसीज ऐसे भी होती है आपको वहाँ पर गैस के भी पैसे देती है फ्यूल के भी पैसे देती है और बहुत सारी कंपनीज गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करती है तो ये डिलीवरी और कुरियर सर्विस है उसकी पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हो उसमें भी आपको काफ़ी अर्निंग मिल सकती है तो स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट इसके अंदर जो स्टूडेंट अच्छा कमा के कार ले रहे हैं और उनके पास कार है तो फिर ये कुरियर का भी बिज़नेस कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं और कोई भी कुरियर कंपनी के साथ टाई अप करके भी कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा पार्ट टाइम जॉब कमाने का तरीका है कैनेडा में अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिक और ऑटो कार वगैरह जो रिपेयरिंग वाले होते हैं जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है जिनको रिपेयरिंग वगैरह आता है या पैसोनेट है या फिर आप जो भी कंट्री से फॉर एग्जांपल इंडिया से हो और आपके पास ये स्किल है इंडिया में आपने ऐसा कुछ काम किया है तो यहाँ पर आप खुद का गैरेज भी खोल सकते हो कोई गैरेज के अंदर जॉब कर सकते हो तो मिनिमम आपको सिक्सटी डॉलर के हिसाब से आपको प्लस माइनस मिल जाते हैं और अगर आप जॉब नहीं करते खुद का भी करते हो तो आप सेवेंटी टू एटी कैनडन के हिसाब से आराम से अन कर सकते हो तो ये स्किल बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है अब हम बात कर रहे हैं टैटू आर्टिस्ट के बारे में टैटू आर्टिस्ट ऐसा है कि आपने अगर कोई भी कंट्री में जहाँ से आप कनाडा आ रहे हो फॉर एग्जांपल हम तो काउंट कर रहे हैं इंडिया से तो इंडिया से अगर आपने टैटू आर्टिस्ट का जो भी कोर्स वगैरह किया है या फिर इंडिया में अगर आप टैटू बनाते हो और कैनेडा में आप आए हो आपकी पढ़ाई की वजह से और आपके पास वह भी वो स्किल है आपको लगता है कि इसको भी आप वहाँ पर अर्न करने का ज़रिया बना सकते हो तो आपको पर आर के हिसाब से थर्टी टू फोर्टी कैनेडियन डॉलर आपको मिल सकते हैं तो अगर आपको टैटू बनाना आता है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी सिचुएशन है बहुत सारे कैनेडियन लोग टैटू के लिए बहुत क्रेजी है तो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पार्ट टाइम जॉब के लिए अब हम बात कर रहे हैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर के बारे में आपको पता है कोविड के बाद बहुत सारे लोग फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं और जो भी फिटनेस कोच है या फिटनेस के लिए जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ट्रेनर है वगैरह के लिए अब जो आ, मार्केट खुला है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑफ वो ऑनलाइन सेशन भी देते हैं ऑफ़लाइन सेशंस भी देते हैं तो हर हर किसी को कहीं ना कहीं फिटनेस इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती ही होती है तो कैनेडा में ये भी अपॉर्चुनिटी है अगर आप योगा भी अच्छे से सिखा सकते हो और स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हो जुम्बा वगैरह करवा सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी टू एटी कैनेडियन डॉलर आप अर्न कर सकते हो डॉग वॉकर के बारे में बात करते हैं डॉग वॉकर में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो भी फैमिलीज़ होते हैं कपल्स होते हैं कनाडा के अंदर वो लोग काफ़ी बिजी रहते हैं उनकी कुछ हॉबीज़ परस्यूज़ करने के लिए या फिर उनको जॉब वगैरह के लिए जाना पड़ता है या बिजनेस टूर के लिए इधर उधर जाना पड़ता है तो उनके जो भी वो पैट्स लवर काफ़ी है तो उनके जो भी पैट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसा घर होता है जहाँ पे वो लोग रख के जाते हैं या फिर एज अ इवनिंग उनके पास इतना टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो उसके पैट्स को ऐसे पूरा राउंड मराने के लिए कोई ना कोई वो लोग हायर करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है डॉग वॉकर के लिए और आपके पास अगर कुछ फ़्लैट है वहाँ पर आप पेट लवर हो तो आप काफ़ी लोगों के पैट्स को आपके पास रख सकते हो तक वो जर्नी से वापिस नहीं आ सकते तो उसमें आपको पर आर के हिसाब से थर्टी टू फोर्टी कैनेडन डॉलर आप अन कर सकते हो अब मैं लास्ट बात करती हूँ ये सबसे ऑन गोइंग ट्रेंडिंग और हमेशा चलने वाली डिमांडेड जॉब के बारे में बात करती हूँ बिकॉज ऑफ ये है फूड यानी शेफ के बारे में तो अगर आप अच्छा खाना बनाते हो या बना सकते हो तो कैनडा के अंदर काफ़ी रेस्टोरेंट के अंदर बहुत अच्छा खाना आप सर्व करके बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो पर आर के हिसाब से मिनिमम आप फिफ्टी डॉलर अर्न कर सकते हो और उसके बाद आपके टेस्ट के ऊपर है अगर एक बार रेस्टोरेंट में किसी को आपका टेस्ट समझ में आ गया फिर आपके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जैसे हो जाएगा बिकॉज ऑफ उसमें एक कंडीशन ऐसी है कि भाई आप जो भी कस्टमर्स है रेस्टोरेंट के उसको भी खुश रख सकते हो अगर आप हस्बैंड हो या वाइफ हो तो आपके घर पे भी आप खाना बना के आपके पार्टनर को भी खुश रख सकते हो तो ये तो दोनों साइड से विन विन कंडीशन है बिकॉज ऑफ आप ख़ुद तो खाना बना के अर्न uh, भी करते हो और वही आपके पार्टनर को खिला के उसके साथ खुशियाँ भी शेयर कर सकते हो तो ये पार्ट टाइम जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी इसमें आप फुल टाइम करियर भी बना सकते हो काफ़ी होटल्स इंडस्ट्री वहाँ पर है जहाँ पे आप एज अ सेफ करियर बना के फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो सो so फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही मैं हूं मयूरी साइनिंग ऑफ जय हिंद